लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। बदलते मौसम में एलर्जी होना एक आम समस्या है। कुछ लोगों को खान पान की गलत आदतों की वजह से भी एलर्जी की समस्या हो जाती है। एलर्जी उल्टी, दस्त, जुकाम आदि अन्य बीमारियों का मुख्य कारण हो सकती है। कुछ लोगों को धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी होने लगती है। आपको बता दें कि धूल मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया जब व्यक्ति के अंदर जाते हैं तो उसको बार बार छींक आने लगती है या उसको ज़्यादा खांसी आने की वजह से सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ये समस्या घर के बाहर या घर के अंदर दोनों ही जगह हो सकती है। यदि आपको भी ऐसी समस्या है तो इसके लक्षण गंभीर रूप से आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन इसके हल्के लक्षण होने पर आप घरेलू उपायों को अपनाकर भी इस समस्या को कम कर सकते हैं। धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी में आपको क्या उपाय अपनाने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो देखिएगा। धूल और मिट्टी से होने वाली एलर्जी के लक्षण: बार बार छींक आना, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज आना, त्वचा में खुजली महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, खांसी की समस्या। धूल मिट्टी से एलर्जी होने पर क्या उपाय अपनाएं? बिस्तर की चादर और तकिए का कवर चेंज करें। बिस्तर की चादर और तकिए पर एलर्जी फैलने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं। एलर्जी को कम करने के लिए आप नियमित रूप से चादर और तकिए का कवर चेंज करें। यदि आप एलर्जी के लक्षण कम हो तो आप चादर और तकिए के कवर को कम से कम सप्ताह में 2 बार इसे अवश्य बदलें। चादर और धूल वाली जगह के कपड़ों को गर्म पानी में धोएं। एलर्जी से बचने के लिए आपको बिस्तर की चादर व धूल वाली जगहों पर रखे कपड़ों को गर्म पानी में धोएं। इससे चादर और कपड़ों में मौजूद एलर्जन साफ हो जाते हैं। इन कपड़ों को धोने के बाद धूप में अवश्य सुखाएं। इससे भी एलर्जन मर जाते हैं। घर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर धूल अधिक होती है। इन स्थानों से धूल को नियमित रूप से साफ करें। स्टोर में साफ सफाई का पूरा ध्यान दें क्योंकि इन जगहों पर धूल और मिट्टी अधिक होती है। यदि संभव हो तो जिन जगहों से धूल आती है उसे कवर करें। घर के बाहर ज़्यादा धूल या मिट्टी हो तो ऐसे में आप बाहर पानी का छिड़काव करें। इससे धूल मिट्टी बैठ जाएगी और इससे आपको परेशानी नहीं होगी। धूल से होने वाली एलर्जी में आप सेब के सिरके का उपयोग कर सकते हैं। सेब के सिरके में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो एलर्जी होने के कारण कम करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आप सुबह 1 गिलास गर्म पानी में करीब 1 चम्मच एक सेब के सिरके को मिलाकर पी सकते हैं। धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी में आप शहद का सेवन कर सकते हैं। एलर्जी को दूर करने के लिए आप इसे उपयोग कर सकते हैं। शहद में एलर्जी को दूर करने के लिए गुड़ पाए जाते हैं। इसका आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या आप सीधे 1 चम्मच शहद का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको डायबिटीज हो तो इस उपाय को ना अपनाएं, इससे आपका शुगर बढ़ सकता है। धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी से बचाव के कुछ और भी उपाय आपको बता रहा हूँ। घर के एसी को इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ कराएं। दूध के साथ हल्दी का सेवन करें। नाक बंद हो गई है तो भाप लें, इससे नाक खुल जाएगी। कारपेट आदि का नियमित रूप से साफ सफाई करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि एलर्जी है तो किस तरह आप अपना घर बैठे इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।